दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप कहोगे यस आज कुछ नया सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ नया क्या है। आप कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो? दरअसल कीबोर्ड के ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन बटन है, वो दबा के लेते होंगे, ये सबको पता है दोस्तों। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ओल्ड मेथड है, हम कुछ नया करेंगे। जी हाँ, अगर हमारे स्क्रीनशॉट के अंदर हम एरो से कोई पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, हम रेक्टेंगल से कोई बॉक्स या टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हैं, सर्कल से कोई मेनू हाईलाइट करना चाहते हैं, हम अपने स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ कंटेंट ब्लर करना चाहते हैं, या हम अपने स्क्रीनशॉट का पीडीएफ बनाना चाहते हैं, ऐसी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिलेगा, जो कि आज के वीडियो में है दोस्तों। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। सीधी बात, नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो खास। लेट्स लेट्स बिगिन। बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हो मेरे चैनल पे और पहली बार आए हो, तो जरा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जाना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना। इससे होगा क्या, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे। जी हाँ, बिल्कुल स्मार्ट बनोगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें मैंने ब्लॉग लिखा है ऑसम स्क्रीनशॉट स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर के बारे में, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस लिंक को आपके क्लिक करना है और आपके सामने ये इस तरह का एक एक्सटेंशन ओपन हो जाएगा जो गूगल क्रोम का है। गूगल क्रोम में ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि ये गूगल क्रोम में इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन आप इससे डेस्कटॉप का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अंदर जो स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट में मैंने चीज़ें दिखाई, वो सारी चीज़ें हम उस स्क्रीनशॉट के अंदर ऐड कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये एक्सटेंशन फ्री है। तो कैसे इंस्टॉल करना है, ये सिंपल है, बस आपको यहाँ पे जैसी लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा, आपको ऐड टू क्रोम करना है। ये क्रोम ब्राउजर के लिए ऐड एक्सटेंशन करते हैं हम लोग। जैसे ही ऐड एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ईमेल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल मैं लॉग इन नहीं करूँगा, लॉग इन नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑसम स्क्रीनशॉट स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर, इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, स्क्रीनशॉट भी आता है। अब मैं डिटेल में बता देता हूँ, इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। तो अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ, उस नए टैब में कुछ भी ओपन कीजिएगा। तो नए टैब में यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन सर्च की है सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर की इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा पेज है, और ये पूरे पेज का मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। अगर आप प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे तो इतना ही स्क्रीनशॉट आएगा, और आप इस पेज को सेव एज करेंगे, मतलब सेव एज पीडीएफ करेंगे, तो पूरा आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट इमेज फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा कैमरा आइकॉन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इस ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, कैप्चर एंटायर पेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है कि ये पूरा पेज कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है और पूरे पेज का स्क्रीनशॉट उसने ले लिया है। ऑसम स्क्रीनशॉट, ओहो ऑसम, देखिए आप यहाँ पे पूरे स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब यहाँ पे ये बनने के बाद आप इसे डन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया था, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट्स में कुछ पेड है जो कि पेड में ही चलेंगे, यानी पेड वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे फ्री है, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में दिखाया था आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इमेज की साइज़, आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज की साइज़ दिखाई दे रही है 1920 बाय हाइट, तो उसकी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा पेजेस है। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप यहाँ से इमेज की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना ही पर्टिकुलर क्रॉप आप रख सकते हैं। क्रॉप तो जनरली आपको पता ही रहेगा, जैसे क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे तो उतना ही रहेगा। फिलहाल मैं ये क्रॉप नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे है ये पेन हाईलाइटर, आप इससे कोई पॉइंट को, ये पॉइंट है तो इसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी आप अब ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा पेन पे अच्छा कमांड नहीं, इसलिए ऐसा ड्रॉ हो गया। बट अगर अच्छा कमांड आपका पेन पे नहीं है तो रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल से आप इस पॉइंट को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग है ना। अंडू करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, मैंने अंडू कर दिया है कंट्रोल जेड प्रेस करके। और यहाँ पे
मैं आपको बताऊं कि और भी टूल्स में जैसे रेक्टेंगल की जगह सर्कल भी है, आप सर्कल से कोई पॉइंट वगैरह हाईलाइट करना चाहते हैं, सेटिंग्स ये रहा, इलिप्स और सर्कल इस तरह से ये ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, आपने ड्रॉ किया और आपको लगा कि यार मूव करना है, तो उसके ऊपर बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके आओ, यू कैन मूव इट, आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना, इसकी साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस हाईलाइटर को इस तरह से रख सकते हैं। आगे आती है एरो की बारी। एरो, ओ हो, लुक एट योर एरो, नाउ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द एरो लाइक दिस। अभी इसकी साइज भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आउटलाइन साइज और एरो साइज अगर कम करना है तो यहाँ पे 8x की जगह 2x ले लो, देखिए एरो कैसे आ रहा है। वाह, इंटरेस्टिंग है ना, आप कोई भी पॉइंट्स को ऐसा हाईलाइट करना चाहते हैं तो एरो की मदद से आप कर सकते हैं, इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग एरो है, मैंने आपको बस एक एरो दिखाया, आप दूसरा एरो भी लेके ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से ये एरो ड्रॉ किया, बीच में पॉइंट आते हैं एंड यू कैन मेक इट कर्व, जैसे पॉइंट के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे आप इस एरो को इस तरह से कर्व करके कुछ भी ऐसा अलग अलग शेप दे सकते हैं। और आगे है दोस्तों टेक्स्ट, ये जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिएगा टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे आप कहीं पे भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे ऐड करना है सो सचिन इन 2016 ऐसा कुछ भी है वहाँ पे, तो आप टाइप कर सकते हैं सचिन इन 2016। तो इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके आगे क्या है, देखिए ब्लर है, ब्लर ऑप्शंस में सपोज आप लगता है कि यार यहाँ पे जो इमेजेस दिखाई दे रही है टॉप स्टोरी में वो इमेजेस सचिन की नहीं दिखानी है आपको, यू कैन हाइड देम लाइक इस तरह से सिलेक्ट करके। सिंपल है, आपको कुछ और चीज़ें हाईलाइट करनी जैसे कि वाइप की इंफॉर्मेशन हाइड कर देनी है तो हाइड कर सकते हैं आप। सो जो भी जानकारी आपको हाइड करनी है स्क्रीनशॉट के अंदर बस इस ब्लर ऑप्शन से आप हाइड कर सकते हैं। आगे के कुछ ऑप्शंस है जो कि पेड है यहाँ पे, तो ये भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो अपग्रेड योर प्लान, और प्लान में ऐसा है कि मंथली $2 कुछ अमाउंट है, लेकिन आप पेड की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी फ्री चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, इसका ही फायदा उठा लो। दोस्तों मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी, अब आगे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हो इस एरो का कलर तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं डन करूँगा, और अगर मुझे पूरा रिसेट करना है तो यहाँ से मैं रिसेट कर सकता हूँ, मतलब क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। फिलहाल तो मुझे डन करना है और स्क्रीनशॉट को देखना है कि इसे मैं कैसे मेरे कंप्यूटर में ले लूँ। तो जैसे मैं इसे डन करूँगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको डाउनलोड, डाउनलोड एज ए इमेज और पीडीएफ, आप पीडीएफ में चाहते हैं पीडीएफ में कीजिए, डाउनलोड करना चाहते हैं इमेज में तो यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड और उसके बाद अलाउ, और उसके बाद सेव कर देना है डाउनलोड्स फोल्डर में या डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है। नाउ यू कैन चेक इट आउट, इसको मैं क्लिक करूँगा, और जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट आ चुका है। ये बड़ा है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लिया था। आई विल मेक द जूम ओवर हियर, यू कैन चेक इट आउट राइट नाउ, लुक एट हियर, इस तरह से ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में जो मैंने कंटेंट ऐड किए थे वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट कंप्लीटली आ चुका है, क्लियर भी है। ओ हो, इंटरेस्टिंग है ये, इसे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके अलावा और कुछ फीचर्स इसमें जानते हैं, इतना ही नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से सचिन तेंदुलकर का ये पेज ओपन कर रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे कैमरा कैप्चर में चले जाते हैं। यहाँ पे ऑसम स्क्रीनशॉट कैप्चर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कैप्चर सिलेक्टेड एरिया, यानी कि आपको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से क्रॉप करके ले लो। जैसे आपका स्निपिंग टूल काम करता है, आप उतना सिलेक्ट करोगे उतना क्रॉप होगा, लेकिन स्निपिंग टूल में इतने सारे फंक्शन नहीं रहते जो यहाँ पे दिखाए गए आपको दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर भी सारे फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट करना है, नहीं करना है, एरो करना है, किसी को रेक्टेंगल देना है, जो भी चीज़ें करनी है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, और डन करना है फाइनली एंड देन यूल गेट इट एंड डाउनलोड एंड पीडीएफ कन्वर्ट करना है। और दूसरा आगे देखते हैं इसमें और कौन से ऑप्शन है, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप कैप्चर करना तो डेस्कटॉप भी यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। आपका कोई एप्लीकेशन चालू है, सपोज मैं डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन भी यहाँ पे ओपन करके रख देता हूँ, नोट पैड एप्लीकेशन ओपन करके रख देता हूँ। ओके, तो नोट पैड में मैंने कुछ भी लिख दिया, हैलो वगैरह वट एवर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस वन कैप्चर डेस्कटॉप। कैप्चर डेस्कटॉप करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है यो एंटायर स्क्रीन, आपका पूरा डेस्कटॉप आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा आएगा एप्लीकेशन विंडो, यानी कि जो जो एप्लीकेशन चालू है, एक तो रिकॉर्डिंग चालू है प्लिमरो का जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए दिख रहा है। दूसरा है ये हमारा जो पूरा ब्राउजर है, और यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन विंडो, यानी कि आप नोट पैड को भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे शेयर पे जाना है, लेकिन आप डेस्कटॉप का चाहते तो योर एंटायर स्क्रीन लीजिए और यहाँ पे
सब मिनिमाइज करके आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। मिनिमाइज कीजिए, अभी आपको डेस्कटॉप मिल रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर ये जो दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बस यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप शेयर करोगे ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है, अब आपको मिलेगा कहाँ पे देखने के लिए, आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे ये आ चुका है। राइट नाउ यू कैन मेक इट क्रॉप। अगर आपको चाहिए तो इतने आइकॉन चाहिए थे, इतने आइकॉन का आपको क्रॉप करना है, क्रॉप कीजिए एंड इसके ऊपर जो भी हाईलाइट करना है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ से डेस्कटॉप भी ये कर सकते हैं। डन कीजिए, डाउनलोड कीजिए जो भी है। अब आपको यहाँ पे आगे का ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, जिसमें सिलेक्ट लोकल इमेज है, मतलब आपके डेस्कटॉप पे कोई इमेज है उसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, तो वो इमेज आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे रखिए और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज ही, और या फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपकी जो भी इमेज है, सपोज आपके पास कोई इमेज है, जैसे इसको ले लिया स्पाइसी वाले को, ओहो इसको बहुत स्पाइसी लगा है, चलिए इसका इमेज मैंने ले लिया, वो कर रहा है, और इसे हमें यहाँ पे कुछ हाईलाइट करना है या फिर ब्लर करना है, यू कैन मेक इट। इसका चेहरा हमें ब्लर कर देना है, वाह इंटरेस्टिंग। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसे भी डन कर सकते हैं, और इसका भी डन करने के बाद इसे भी आप डाउनलोड और पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको करके देखनी चाहिए स्क्रीनशॉट, ऑसम स्क्रीनशॉट के अंदर। तो ये ऑसम स्क्रीनशॉट की जानकारी मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो मैंने कर दी। आपका काम है कि दूसरों के साथ भी शेयर करें, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कम से कम आपके एक दोस्त के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो दूसरे दोस्त के साथ शेयर करेगा वीडियो देख के। ऐसे ही हमारा नेटवर्क बढ़ेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल देखते रहिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।